हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं एलसीडी बनवाने। एलसीडी हम लोगों की ख़राब हो गई है तो मैं और सालों ने ऑफ लिया हुआ है तो हम लोग निकलने वाले हैं एलसीडी बनवाने। उससे पहले हम लोग मार्केट जाने वाले हैं फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए, जो कि आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे मार्केट और चलते हैं जल्दी से। और सालों अभी लगी हुई है फॉर्म वगैरह ढूंढने में। बैग का जो गद्दे वगैरह थे वो सारा मैंने छत पे डाल दिया। ठंडी आ गई वापस और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था इसलिए मैंने बिस्तर वगैरह छत पे डाल रखा। हम लोग जाने वाले बाहर, फॉर्म खोवा दी थी, अब जाके भी ले हो गई और लगी हुई खोवान वो ढूंढने में तब से। अब चलो जल्दी। दोस्तों हम लोगों का 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, प्लीज सपोर्ट करो। हम लोगों की जल्दी से जल्दी 1K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग डेली ब्लॉग डालेंगे। और आ गई है गाड़ी की चाबी और निकलते हैं हम लोग जल्दी। पूरा रूम फैला पड़ा हुआ है यहाँ भी, आज पूरा यही सेट करेंगे हम लोग। और इधर का भी पूरा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। बाय बाय चेरी, बाय बाय। अरे ये काट रही नीचे से। चेरी नो। अब इसका पैकिंग करेंगे जल्दी से। आज देखो इसमें कितना खर्चा आता है। और मैं पैसे बिल्कुल नहीं देने वाली। अभी तो हो गया, ये तो कर दिया अपने पैक, ये ऐसे ही ले जाएंगे। बैग में भर लेते हैं कुछ, वो फॉर्म वगैरह बैग में डालना है। अच्छा मैंने सोचा खाने पीने का सामान है, फॉर्म वगैरह भरे पैक में। हाँ बैग ले लो। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं साइबर कैफे और यहाँ पे सालू फॉर्म भरवा रही है और ये रहे अंकल। और हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे अंकल को समझा रही है सालू कि कैसे कैसे भरना फॉर्म। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे एलसीडी बनवाने। जैसे कि आपने देखा ही है वीडियो में कि हम लोगों ने एलसीडी उतार ली है और उसमें कुछ आ नहीं रहा था। तो दोस्तों आ चुके हैं हम मार्केट और यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे और एक बंदर आके हम लोगों के साथ कुछ मांग रहा था, हम लोगों ने दिया उसे। और ये देखो बिल्कुल नज़दीक था कैमरे के तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। और सालू बार बार डरी बोली थी कैमरा बंद करो, ये बैठा पीछे। अरे बाहर मत, देखो सामने, एकदम सामने मेरे पीछे बैठा हुआ था। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का मूड दोनों का खराब हो चुका था क्योंकि एलसीडी नहीं बनी और उसे हम लोग वहीं छोड़ के आ गए, कबाड़ वाले को दे के आ गए उसे, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह था। और ये रहा लाल किला, हम लोग लाल किला के फिर मार्केट वगैरह घूमे वहाँ से। और ये सामने देखो लाल किला और बहुत ढेर सारे लोग वहाँ पे घूम रहे थे और सामान वगैरह खरीद रहे थे। और हम लेकर चलते हैं चेरी के लिए, हम लोगों को सामान लेना था खाने के लिए, उसके पास कुछ था नहीं तो दाने वगैरह उसके लेने थे, सूरजमुखी के दाने। और इधर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे ये लोग सामान बेच रहे थे और काफ़ी सस्ता सस्ता सामान दे रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे खुले आम बोल रहे थे चोरी का भैया ले लो। तो हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि पता चला कि उसमें कुछ गड़बड़ी निकला बाद में, तो हम लोगों ने लिया नहीं इधर से। तो इधर अगल बगल देख सकते हो यहाँ पे काजू किशमिश बादाम वगैरह भी काफ़ी सस्ते थे जो कि हम लोगों ने नहीं लिए, जो कि ठीक नहीं होते हैं। टेस्ट भी करके देखा था तो कड़वे थे वो, तो बेकार था मतलब एकदम। और इधर ही बगल में चोर बाज़ार लगता है, चोर बाज़ार की साइड ही है ये पूरा। यहीं हम लोग घूमने निकल गए थे क्योंकि वहीं पर चेरी का दाना वगैरह मिलता है। यहाँ पर आगे कबूतर मार्केट वगैरह है। दोस्तों ये मार्केट बहुत बड़ा है और यहाँ पर संडे को काफ़ी भीड़ रहती है कि जो कि आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बगल में परफ्यूम वाला था जो कि एक्सपायरी वगैरह था, कृपया देख के ही लें उसे अगर किसी को लेना हो तो। और हम लोग जल्दी से निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं चेरी के लिए
चेरी आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, चेरी मेरे मिट्ठू का नाम है, उसे हम लोग प्यार से चेरी बुलाते हैं। दोस्तों इसे लगभग मेरे पास 2 साल हो चुके हैं चेरी को, और ये 15 दिन का मैं लेके आया था इसे, तो 15 दिन की थी तब, इसके शरीर पे एक भी बाल नहीं थे, तो मेरे साथ रहती थी तब और मेरे साथ सोती थी, और अब ये पिंजरे के ऊपर ही पूरे रूम में खुली रहती है, तो यहीं घूमती टहलती रहती है। हम लोगों ने अभी तक उसे कभी बंद नहीं किया, तो बंद पिंजरे में नहीं रहती वो कभी, और अगर रहती भी है, अगर ज़बरदस्ती डालने की कोशिश भी किया तो वो एकदम चुपचाप हो जाती, जैसे डर जाती उसको देख के। तो दोस्तों आज का दिन हम लोगों का लगभग बेकार रहा है, जैसे कि आपने देखा ही वीडियो में कि हम लोग LCD बनाने गए तो उसका सब कुछ सामान खराब ही निकला, तो उसे वहीं छोड़ के आना पड़ा हम लोगों को। हम लोगों को दुकान से पता चला कि डिस्प्ले की कोई गारंटी नहीं होती, तो हम लोगों ने उसमें डिस्प्ले चढ़ाने के लिए बोला, तो वही 8-9 हज़ार रुपये तक का खुद बता रहा हो, डिस्काउंट करके वही 5-6 हज़ार तो करता ही करता हो। तो हम लोगों ने सोचा कि उससे अच्छा हम नया ही ले लें, क्योंकि फिर उसके बाद उस भी की कोई गारंटी नहीं थी। तो हम लोगों का जितना पैसा था वो तो LCD लेने में उतना डूब ही गया हम लोगों का। तब सोच रहे हैं अगली बार नई LCD लेंगे, तो आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर से दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ से हो जाती है कबूतर मार्केट शुरू, कबूतर तोते वगैरह यहीं से मतलब दाने वगैरह मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ चले गए। यहाँ पे बगल में देखो कबूतर वगैरह और तोते खरगोश सब इधर ही मतलब बेचे जा रहे हैं, और ये रहे, और हम लोग आगे की तरफ जाएंगे वहाँ से और चैरी के दाना लेंगे। यहाँ पे वीडियो जो है मना करने लगे थे, बोले कि वीडियो वगैरह बनाने में अलाउड नहीं। हम लोगों ने वहाँ से वीडियो बंद करके हम लोग घर की तरफ निकलने लगे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, गाड़ी वगैरह चलती थी, फिर उसके बाद हमने ऑटो लिया, फिर हम लोग घर की तरफ निकलने लगे, जो कि यहाँ पे लाल किला यहाँ से दिखाई दे रहा है, और नाइट का भी कुछ इस तरीके से था कि हम लोगों को नाइट होने हो गई थी, तो आज हम घर का भी कुछ काम नहीं कर पाए, पूरे दिन हम लोगों का बाहर जाने में आज लग गया है। अभी देखो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था नाइट का, आ चुके हैं घर पे और LCD हो चुकी ख़राब, वहीं कबाड़े में बेच चुके हम लोग, 300 रुपये के गई LCD, और अभी खाली खाली लग रहा है वहाँ भी जगह, तो अब नई LCD लेंगे हम लोग। उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया था, तो उसके काफ़ी महंगा पड़ रहा था, उतने का शायद नया आ जाएगा, तो हम लोगों ने वहाँ से लेके नहीं आया, पूरे पार्ट्स उसके जल चुके थे, और अब देखते हैं नई LCD कब लेके आते हैं हम लोग, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।